पेशे खिदमत है मिखाइल नेमी द्वारा लिखित किताबे मीरदाद का चैप्टर 11। प्रेम प्रभु का विधान है। मीरदाद कहते हैं, प्रेम ही प्रभु का विधान है। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो, और तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। और प्रेम करना क्या है सिवाय इसके कि प्रेमी प्रियतम को सदा के लिए अपने अंदर लीन कर ले, ताकि दोनों एक हो जाएं। और मनुष्य को प्रेम किससे करना है? क्या उसे जीवन वृक्ष के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना पूरा प्यार उड़ेल देना है? तो फिर क्या होगा उस शाखा का जिस पर वह पत्ता उगा है, उस तने का जिससे वह शाखा निकली है, उस छाल का जो उस शाखा की रक्षा करती है, और उन जड़ों का जो छाल तने शाखाओं और पत्तों का पोषण करती हैं, उस मिट्टी का जिसने जड़ों को छाती से लगा रखा है, सूर्य समुद्र और वायु का जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यदि किसी पेड़ पर लगा एक छोटा सा पत्ता तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हो तो पूरा पेड़ उसका कितना अधिक अधिकारी होगा। जो प्रेम संपूर्ण के एक अंश को चुनता है वह अपने भाग्य में आप ही दुखों की रेखा खींच लेता है। तुम कहते हो एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पत्ते होते हैं, कुछ स्वस्थ होते हैं कुछ अस्वस्थ, कुछ सुंदर होते हैं कुछ कुरूप, कुछ दैत्यकार होते हैं कुछ बोनी। पसंद करने और चुनने से भला हम कैसे बच सकते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ कि बीमारों के पीलेपन में से तंदुरुस्तों की ताजगी पैदा होती है। मैं यह भी कहता हूँ कि कुरूपता सुंदरता का रंग और कुंची है, और यह भी कि बोना न होता यदि उसने अपने कद में से कुछ कद दैत्य को भेंट न कर दिया होता। तुम जीवन वृक्ष हो, अपने आप को टुकड़ों में बांटने से सावधान रहो। फल की फल से तुलना मत करो, न पत्ते की पत्ते से, न शाखा की शाखा से, और न तने की जड़ों से तुलना करो, न वृक्ष की माटी माँ से। पर तुम ठीक यही करते हो। जब तुम एक अंश को बाकी अंशों से अधिक अथवा बाकी अंशों को छोड़कर केवल एक अंश को ही प्यार करते हो, तुम जीवन वृक्ष हो। तुम्हारी जड़ें हर स्थान पर हैं, तुम्हारी शाखाएं और पत्ते हर स्थान पर हैं, तुम्हारे फल हर मुंह में हैं। इस वृक्ष पर फल जो भी हों, इसकी शाखाएं और पत्ते जो भी हों, जड़ें जो भी हों, वे तुम्हारे फल हैं, वे तुम्हारी शाखाएं और पत्ते हैं, वे तुम्हारी जड़ें हैं। यदि तुम चाहते हो कि वृक्ष को मीठे और सुगंधित फल लगें, यदि तुम चाहते हो कि वह सदा दृढ़ और हरा भरा रहे, तो उस रस का ध्यान रखो जिससे उसकी जड़ों का पोषण करते हो। प्रेम जीवन का रस है, और जबकि घृणा मृत्यु का मवाद। किंतु प्रेम का भी रक्त की तरह हमारी रगों में बेरोक प्रवाहित होना नितांत आवश्यक है। रक्त के प्रवाह को रोको तो वह एक खतरा, एक संकट बन जाएगा। और घृणा क्या है सिवाय दबा दिए गए और रोक लिए गए प्रेम के, जो इसीलिए घातक विष बन जाता है खिलाने वाले और खाने वाले दोनों के लिए, घृणा करने वाले और घृणा पाने वाले दोनों के लिए। तुम्हारे जीवन वृक्ष का पीला पत्ता केवल प्रेम से वंचित पत्ता है। पीले पत्ते को दोष मत दो। मुरझाई हुई शाखा केवल प्रेम की भूखी शाखा है। मुरझाई हुई शाखा को दोष मत दो। सड़ा हुआ फल केवल घृणा पर पाला गया फल है। सड़े हुए फल को दोष मत दो, बल्कि दोष दो अपने अंधे और कंजूस मन को, जो जीवन रस को भीख की तरह थोड़े से व्यक्तियों में बांटकर अधिकांश को उससे वंचित रखना चाहता है, और ऐसा करते हुए अपने आप को भी उससे वंचित ही रखता है।
आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई प्रेम संभव नहीं है। अपने अंदर सबको समा लेने वाले अहम के अतिरिक्त अन्य कोई अहम वास्तविक नहीं है। इसलिए प्रभु शुद्ध प्रेम है, क्योंकि वह इसी अहम से प्रेम करता है। जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपना वास्तविक अहम नहीं मिला है, न ही प्रेम की सुनहरी कुंजी तुम्हारे हाथ लगी है, क्योंकि तुम एक क्षणभंगुर अहम को प्रेम करते हो और तुम्हारा प्रेम भी क्षणभंगुर है। स्त्री के लिए पुरुष का प्रेम प्रेम नहीं है, वह प्रेम का एक बहुत धुंधला चिन्ह है। संतान के लिए माता या पिता का प्रेम प्रेम के पवित्र मंदिर की देहरी मात्र है। जब तक हर पुरुष हर स्त्री का प्रेमी नहीं बन जाता और हर स्त्री हर पुरुष की प्रेमिका, जब तक हर संतान हर माता या पिता की संतान नहीं बन जाते और हर माता या पिता हर संतान की माता या पिता, तब तक स्त्री पुरुष हाड़ मांस के साथ हाड़ मांस के घनिष्ठ संबंध की ढींग भले ही मार लें, किंतु प्रेम के पवित्र शब्द का उच्चारण कभी न करें, क्योंकि ऐसा करना प्रभु निंदा होगी। जब तक तुम एक भी मनुष्य को शत्रु मानते हो, तुम्हारा कोई मित्र नहीं। जिस हृदय में शत्रुता का वास है, वह मित्रता के लिए सुरक्षित आवास कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारे हृदय में घृणा है, तुम प्रेम के आनंद से अपरिचित हो। यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं का जीवन रस से पोषण करते हो, पर किसी छोटे से कीड़े को उससे वंचित रखते हो, तो वह छोटा सा कीड़ा अकेला ही तुम्हारे जीवन में कड़वाहट खोल देगा। क्योंकि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही प्रेम करते हो। इसी प्रकार किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से घृणा करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही घृणा करते हो, क्योंकि जिससे तुम घृणा करते हो वह उसके साथ जुड़ा हुआ है जिससे तुम प्रेम करते हो। ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे किसी सिक्के के दो पहलू, जिन्हें कभी एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, तो उससे प्रेम करने से पहले जिसे तुम चाहते हो और जो तुम्हें चाहता है, उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घृणा करते हो और जो तुमसे घृणा करता है। प्रेम कोई गुण नहीं है, प्रेम एक आवश्यकता है, रोटी और पानी से भी बड़ी, प्रकाश और हवा से भी बड़ी। कोई भी अपने प्रेम का अभिमान न करे, प्रेम को उसी सरलता स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करो जिस सरलता और स्वतंत्रता से तुम सांस लेते हो, क्योंकि प्रेम को उन्नत होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। प्रेम को उस हृदय में उन्नत हो ही जाता है जिसे वह अपने योग्य समझता है। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो, प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है और घृणा ही घृणा का पर्याप्त दंड। न ही प्रेम के साथ कोई हिसाब किताब रखो, क्योंकि प्रेम अपने सिवाय किसी और को हिसाब नहीं देता। प्रेम न उधार देता है न उधार लेता है, प्रेम न खरीदता है न बेचता है, बल्कि जब देता है तो अपना सब कुछ दे देता है और जब लेता है तो सब कुछ ले लेता है। इसका लेना ही देना है और इसका देना ही लेना है, इसलिए यह आज कल और कल के बाद भी सदा एक सा रहता है। एक विशाल नदी जो जो अपने आप को समुद्र में खाली करती जाती है, समुद्र उसे फिर से भरता जाता है। इसी तरह तुम्हें अपने आप को प्रेम में खाली करते रहना है, ताकि प्रेम तुम्हें सदा भरता रहे। तालाब जो समुद्र से मिला उपहार उसी को सौंपने से इनकार करता है, एक गंदा पोखर बनकर रह जाता है। प्रेम में न अधिक होता है न कम। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी में रखने या मापने का प्रयत्न करते हो, उसी क्षण वह तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और पीछे छोड़ देता है अपनी कड़वी यादें। न प्रेम में अब और तब होता है, न यहाँ न वहाँ। सब ऋतुएं प्रेम की ऋतुएं हैं, सब स्थान प्रेम के निवास के योग्य स्थान। प्रेम कोई सीमा या बाधा नहीं जानता। जिस प्रेम के मार्ग को किसी भी प्रकार की बाधा रोक ले, वह कभी प्रेम कहलाने का अधिकारी ही नहीं होता।
मैं अक्सर तुम्हें कहते सुनता हूं कि प्रेम अंधा होता है, अर्थात उसे अपने प्रयत्न में कोई दोष दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का अंधापन सर्वोत्तम दृष्टि है। काश तुम सदा इतने अंधे होते कि तुम्हें किसी भी वस्तु में कोई दोष दिखाई ही न देता। स्पष्टदर्शी और भेदक होती है प्रेम की आंख, इसलिए उसे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जब प्रेम तुम्हारी दृष्टि को निर्मल कर देगा, तब कोई भी वस्तु तुम्हें प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगी। केवल प्रेमहीन दोषपूर्ण आंख सदा दोष खोजने में व्यस्त रहती है। जो दोष उसे दिखाई देते हैं वे उसके अपने ही दोष होते हैं। प्रेम जोड़ता है, घृणा तोड़ती है। मिट्टी और पत्थरों का यह विशाल और भारी ढेर जिसे तुम पूजा शिखर कहते हो, क्षण भर में बिखर जाएगा यदि इसे प्रेम बांध कर न रखे। तुम्हारा शरीर भी, चाहे वह नाशवान प्रतीत होता है, विनाश का प्रतिरोध अवश्य कर सकता था यदि तुम उसके प्रत्येक कोशाणु को समान लगन के साथ प्रेम करते। प्रेम जीवन के मधुर संगीत से स्पंदित शांति है, घृणा मृत्यु के पैशाचिक धमाकों से आकुल युद्ध है। तुम क्या चाहोगे, प्रेम करना और अनंत शांति में रहना, या घृणा करना और अनंत युद्ध में जुटे रहना? समस्त धरती तुम्हारे अंदर जी रही है, सभी आकाश और उनके निवासी तुम्हारे अंदर जी रहे हैं। अतः धरती और उसकी गोद में पल रहे सब बच्चों से प्रेम करो यदि तुम अपने आप को प्रेम करना चाहते हो। आकाशों और उनके सब वासियों से प्रेम करो यदि तुम अपने आप को प्रेम करना चाहते हो। तुम नरूंदा से घृणा क्यों करते हो अभिमार? नरूंदा कहता है, मुर्शिद की आवाज और उसके विचार प्रवाह में इस आकस्मिक प्रवर्तन से हम सब अचंभित रह गए। मैं और अभिमार तो अपने आपसी मन मुटाव के बारे में ऐसा स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर अवाक ही रह गए, क्योंकि उस मन मुटाव को हमने बड़ी सावधानी के साथ सबसे छिपा कर रखा था और हमें विश्वास था और जो अकारण भी नहीं था कि उसका किसी को पता नहीं है। सबने परम आश्चर्य के साथ हम दोनों की ओर देखा, अभिमार के होठ खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। अभिमार ने कहा और धिक्कारपूर्ण दृष्टि से नरोंदा की ओर देखते हुए, नरोंदा, क्या मुर्शिद को तुमने बताया? नरोंदा कहता है, जब अभिमार ने मुर्शिद कह दिया है तो मेरा हृदय प्रसन्नता से फूल उठा है, क्योंकि जब मीरदाद ने अपना भेद खोला उससे बहुत पहले हमारे बीच इसी शब्द पर मतभेद पैदा हुआ था। मैं कहता था कि वह शिक्षक है जो लोगों को दिव्य ज्ञान का मार्ग दिखाने आया है, और अभिमार का हट था कि वह केवल एक साधारण व्यक्ति है। मीरदाद कहते हैं, नरूंदा को संदेह की दृष्टि से न देखो अभिमार, क्योंकि वह तुम्हारे द्वारा लगाए गए दोष से मुक्त है। अभिमार कहता है, तो फिर तुम्हें किसने बताया? क्या तुम मनुष्य के विचारों को भी पढ़ लेते हो? मीरदाद जवाब देते हैं, मीरदाद को न गुप्तचरों की आवश्यकता है न दुभाषियों की। यदि तुम मीरदाद से उसी तरह प्रेम करते जैसे वह तुमसे प्रेम करता है, तो तुम आसानी से उसके विचारों को पढ़ लेते और उसके हृदय के अंदर भी झांक लेते। एक अंधे और बहरे मनुष्य को क्षमा करो मुर्शिद, मेरे आंख और कान खोल दो ताकि मैं देखने और सुनने के लिए उत्सुक हूं। मीरदाद फिर जवाब देते हैं कि केवल प्रेम ही चमत्कार कर सकता है। यदि तुम देखना चाहते हो तो अपनी आंख की पुतली में प्रेम को बसा लो। यदि तुम सुनना चाहते हो तो कान के पर्दे में प्रेम को स्थान दो। अभिमार कहता है, किंतु मैं किसी से घृणा नहीं करता, नरोंदा से भी नहीं। मीरदाद जवाब देते हैं, घृणा न करना प्रेम करना नहीं होता अभिमार, क्योंकि प्रेम एक क्रियाशील शक्ति है, और जब तक यह तुम्हारी हर चेष्टा को, तुम्हारे हर
पद को राह न दिखाए, तुम अपना मार्ग नहीं पा सकते जब तक प्रेम तुम्हारी हर इच्छा में, हर विचार में पूरी तरह समा न जाए। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सपनों में कंटीली झाड़ियां होंगी, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन में शोक गीत होंगे। इस समय मेरा दिल रबाब है और मेरा गाने को जी चाहता है, ऐ भले जमोरा तुम्हारा रबाब कहाँ है। जमोरा कहता है, क्या मैं जाकर ले आऊँ मुर्शद। मीरदाद कहते हैं, जाओ जमोरा। नरोंदा लिखता है, जमोरा उसी क्षण उठा और अपना रबाब लाने के लिए चला गया। बाकी सब कुछ समझ न पाए, एक दूसरे की ओर देखते हुए खामोशी से बैठे रहे। जब जमोरा रबाब लेकर लौटा तो मुर्शद ने धीरे से उसे अपने हाथ में ले लिया और स्नेह के साथ उस पर झुकते हुए उसके हर तार का सुर मिलाया और फिर उसे बजाते हुए गाना शुरू किया। तैर तैर री नौका मेरी, प्रभु तेरा कप्तान, उगले जीवित और मृतक पर नरक अपना प्रकोप भयंकर, आग में उसके तप कर धरती हो जाए जो पिघला सीसक, नभ मंडल में रहे न बाकी किसी तरह का कोई निशान, तैर तैर री नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान। चल चल रही है नौका मेरी प्रभु तेरा कंपास, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोश अपना तू जाकर बांट, तरंग शरंग पर तुझको अपने कर लेगा तूफान सवार, मल्लाहों को अंधकार में वहां से तू देगी प्रकाश। चल चल रही है नौका मेरी प्रभु तेरा कंपास, बह बह रही है नौका मेरी लंगर है विश्वास, गड़गर कर चाहे बादल गरजे कोंधे तड़ित कड़त के साथ, थर्रा उठे अचल फट जाए खंड खंड हो फैले त्रास, मानव दुर्बल हृदय हो जाए भूल जाएं वे दिव्य प्रकाश, पर बहती जारी नौका मेरी लंगर है विश्वास। नरोंदा लिखते हैं, मुर्शिद ने गाना बंद किया और रबाब पर ऐसे झुक गए जैसे प्यार में खोई माँ छाती से लगे अपने बच्चे पर झुक जाती है। और यद्यपि रबाब के तार अब कंपित नहीं हो रहे थे, फिर भी अभी उसमें से तैर तैरी नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान की धुन आ रही थी। और यद्यपि मुर्शिद के होठ बंद थे, फिर भी उनका स्वर कुछ समय तक नीड में गूंजता रहा और तरंगे बनकर तैरता हुआ पहुंच गया चारों ओर ऊंची नीची चोटियों तक, ऊपर पहाड़ियों और नीचे वादियों तक, दूर अशांत सागर तक, ऊपर मेहराबदार नीले आकाश तक। उस स्वर में सितारों की बौछारें और इंद्रधनुष थे, उसमें भूकंप और झक्खड़ थे और साथ ही थी सनसनाती हवाएं और गीत के नशे में झूमती बुलबुलें। उसमें कोमल शबनम लदी धुंध से ढके लहराते सागर थे, लगता था मानो सारी सृष्टि आभार भरी प्रसन्नता के साथ उस स्वर को सुन रही थी। और ऐसा भी लगता था मानो दूधिया पर्वतमाला जिसके बीचों बीच पूजा शिखर था अचानक धरती से अलग हो गई हो और अंतरिक्ष में तैर रही हो, गौरवशाली सशक्त और अपनी दिशा के बारे में आश्वस्त। इसके बाद 3 दिन तक मुर्शिद किसी से एक शब्द भी नहीं बोले। धन्यवाद।